द क्वेश्चन ओवर हेर इज एट इक्विब्रियम द रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल लिक्विड सॉलवेंट इज तो यहाँ पर हमें बताना है कि इक्विब्रियम पे रेट ऑफ डिजोल्यूशन जो है विल इट बी लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल इट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और जीरो वेल द आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड रीजन मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एट इक्लिब्रियम वॉट हैपन्स एट इक्वरियम आप सभी को पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेसिकली ठीक है सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्लिवरियम और हम कंसिडर करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन टू बी डिजोल्यूशन रिएक्शन लेट इस कंसिडर कि फॉर्वर्ड रिएक्शन जो है इट इज़ डिज़ोल्यूशन रिएक्शन इट इज़ डिज़ोल्यूशन रिएक्शन ओके एंड वील कंसिडर कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है हमारा बैकवर्ड रिएक्शन जो है हमारा इट इज़ क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन इट इज़ क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गई ये वाली बात यहाँ पर ओके राखी मैम सो जो यहाँ पर हमें रिएक्शन मैंशनड है इस क्वेश्चन में इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट जो है इट इज़ डिजोल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डिजोल्यूशन कहते हैं क्लियर है सो so, जो हमारा रेट है डिजोल्यूशन का इट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू बी डिजोल्व क्लियर है यस सो इक्वी पे हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ़ डिजोल्यूशन कैन बी कंसिडर एज द

And this can lead to the formation of a highly saturated solution. It was an extra knowledge for you people. Option number three is the right answer for the question.